तो देखो भाई, जो असुर का सीजन 2 है फाइनली उसको खत्म कर दिया। एंड सच में भाई, इसको देख करके नेक्स्ट लेवल का मजा आया। मतलब भाई, सीजन 2 के लिए इन्होंने जो माल तैयार किया था टॉप लेवल का था, पूरा मजा दे देता है। लेकिन भाई, खत्म करने के बाद साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इस छोटे से दिमाग में बहुत तेजी के साथ दौड़ रहे हैं। एक जो अपना छोटू था अनंत, क्या सच में वो गॉड था? दूसरा, क्या भाई जो नुसरत थी वो सच में अब असुर बन गई? या फिर जो अपना निखिल है वो नेक्स्ट असुर बनेगा? या इन सबसे ऊपर जो अपनी वृंदा है, क्या वो नेक्स्ट असुर बनेगी? एंड भाई, क्या सच में जो शुभ है उसका गेम ओवर हो गया है? ओवरऑल सीजन 2 की जो एंडिंग है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक स्पॉइलर अलर्ट देता हूँ, अगर आपने अभी सीजन 2 को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। पहले जाकर के सीजन 2 देख लो, उसकी एंडिंग देख लो, तब उसके बाद इस वीडियो को देखना। अदरवाइज रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क लो, बट मैं अपनी तरफ से स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ। देखो, अगर एंडिंग की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि भाई जो शुभ है वो अनंत को चुनौती देता है। मींस भाई, वो इंसानों के भगवान को बुलाता है डिबेट के लिए, क्योंकि भाई उसको कहीं ना कहीं शक रहता है कि जो अनंत की क्रिएशन है डीजे ने की है, एंड उसकी सच्चाई को लाने के लिए वो डिबेट में उसको बुलाता है। उन दोनों का जो डिबेट है भाई काफी अच्छा चलता है। लेकिन लास्ट स्टेज में शुभ अनंत के लिए एक पार्सल भेजता है जो कि एक्चुअली में एक रिमोट रहता है, जिसमें भाई शुभ अनंत को दो ऑप्शन देता है। अगर तुम सच में भगवान हो तो नीला बटन दबा करके जो भगवान को मानने वाले हैं उनको बचा लो, अगर तुम सफेद बटन दबाते हो तो उनको बचा लो जो कि भगवान में बिलीव नहीं करते, लाइक अपने साइंटिस्ट। एंड यहीं पर असुर थोड़ा सा टाइम दे करके अपने डिबेट को खत्म करता है। चीजें भाई आगे बढ़ती है और हमें सोनिक बॉम्ब का जो प्लान है वो पता चलता है। दूसरी तरफ नुसरत और निखिल असुर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे करके वो दोनों लोग उस अड्डे पर जाने की कोशिश करते हैं जहां से वो ऑपरेट कर रहा है। मींस अगर वो दोनों वहां पर पहुंच गए तो उसने जो माया जाल क्रिएट किया है उसको ब्रेक कर देंगे, जो सोनिक बॉम्ब की सिचुएशन क्रिएट हुई है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां पर और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता जिसकी वजह से उस सोनिक बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर सको। अगर तुम लाउड स्पीकर को हटाने जाओगे तो वो ऑटोमेटिक फट जाएगा। तो अपने हीरोज के पास ऑप्शन यही बचता है कि शुभ को ढूंढो और इसको खत्म करो। भाई वही होता भी है, जो निखिल और नुसरत है वो शुभ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर शुभ उन लोगों को फंसा लेता है और खुद गायब हो जाता है। फिर भाई जो अपना डीजे वो लोगों को समझाता है कि अगर सोनिक बॉम्ब डीएक्टिवेट होता है तो उनके पास 10 मिनट रहेंगे, क्योंकि जो सोनिक बम की खासियत है वो लोगों को तुरंत नहीं मारता, पहले लोगों के वो कान खराब करता है, फिर उसके बाद वो हार्ट अटैक देता है, जिसकी वजह से जब उसका पहला ट्रिगर ऑन होगा मतलब कान तक चीजें आएंगी, उनके पास 10 मिनट रहेगा सुब को पकड़ने के लिए। एंड ऐसा होता भी है, निखिल को डीजे डीएक्टिवेट करने से मना कर देता है एंड 10 मिनट के लिए उनको टाइम मिलता है। इसी के बीच में भाई वो सुब को भीड़ में देखता है और गोली चला देता है। डीजे अगर चाहता तो सुब को वहीं पर मार सकता था, लेकिन उसको तड़पता हुआ छोड़ देता है, क्योंकि भाई सुब ने कहीं ना कहीं उसको बोला होता है कि अगर मृत्यु उसको आती है तो वो फ्री हो जाएगा। एंड डीजे जो है वो नहीं चाहता था कि सुब इतनी आसानी से फ्री हो जाए। तो वही होता है भाई, उसको उठा करके वो जेल में डाल देता है। हां से भाई, जो सारी चीजें रहती हैं वो सेटल आउट रहती हैं, जहां पर आपको ऐसा फील होगा जो अपने हीरोज हैं वो पूरी तरीके से जीत गए हैं। लेकिन अगर पर्सनली मेरी बात करें तो मुझे यहां से लगता है कि भाई सीजन 3 के जो डोर्स हैं वो ओपन किए गए हैं। लेकिन उससे पहले निखिल और जो नैना है वो डिवोर्स ले लेते हैं। दूसरी तरफ जो डीजे है अपनी चीजों को हैंडल करता है। फिर 1 महीने का हमें जंप गैप देखने को मिलता है, जहां पर भाई जो निखिल है वो जाता है असुर से मिलने के लिए। एंड वहां पर जाने के बाद भाई सुब जो है उसको एक और कहानी सुनाता है, जहां पर भाई वो कोखा और विकोखा की बातें करता है एंड बताता है जब कल की कली को मारने वाले थे तो कली ने ऑलरेडी अपना जो मास्टर स्ट्रोक था उसको खेल गया था। मींस भाई जो अपनी वो चीजें थी, जो अपनी विद्या थी, जो अपना नॉलेज था, उसने दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था। एंड भाई वो समझाता है कि कली को कभी मारा नहीं जा सकता, तुम कुछ भी कर ले वो हमेशा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता रहेगा। एंड भाई यहाँ पर वो इशारा कर रहा था 2 पॉइंट को लेकर के। पहला है नुसरत का पॉइंट, जहाँ पर भाई जो नुसरत की स्टेबिलिटी है वो पूरी तरीके से खो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हत्या वाली जो चीजें होती है उसको लेकर के परेशान रहती है। एंड भाई जो सुबह अपना ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है उसको, जिसमें भाई मुझे जहां तक लगता है कि वो थोड़ा बहुत पास हो गया है, क्योंकि जो उसको मैसेज भेजता है उसके अकॉर्डिंग हिंट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले सीजन में अगर आता है तो नुसरत शायद असुर बन सकती है। लेकिन यहाँ पर चीजें खत्म नहीं होती। दूसरा उसका इशारा होता है वृंदा के कैरेक्टर को लेकर के, जो कि एक जनरल ऑडियंस के माइंड में बिठाया गया है। मींस भाई डीजे डिसाइड करता है कि वो लास्ट जाकर के लास्ट काम करेगा, मतलब वृंदा से मिलेगा। दूसरी तरफ भाई जो निखिल है वो लगभग सुब को लगा देता है जब हाथ वो मिलाता है। वो हाथ जब मिलाता है तो उसको जहर वहर देकर के किसी तरीके से वो निपटा देता है। लेकिन जब डीजे है वृंदा के पास जाता है तो वहां पर उसको पता चलता है कि वृंदा जहां पर थी वो अब वहां पर नहीं है। दीदी जो है अपनी स्केचेस वगैरह छोड़कर जाती है, जहां पर आपको मल्टीपल लेयर या फिर कह सकते हो कि मल्टीपल रूप देखने को मिलते हैं असुर के। एंड भाई जो यहाँ पर शुभ की बात है वो सच हो जाती है कि जो असुर है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है, उसको मारा नहीं जा सकता। एंड आपके दिमाग में भी यही आता है कि सीजन 3 में जो वृंदा है वो अपनी असुर बनने वाली है। निखिल को लेकर के भी चीजें सेटल नहीं की गई हैं, उसने शुभ को तो मार दिया लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर अपनी उलझन में पड़ा हुआ है, और हो सकता है कि सीजन 3 में उसका जो पॉइंट होगा वो काफी ज्यादा तगड़ा होगा अगर आता है तो। एंड भाई यहीं पर वृंदा के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखा करके सीजन 2 को एंड कर दिया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, लाइक आनंद का
क्या हुआ, उस पर ज्यादा कुछ प्रकाश नहीं डाला गया, बट एक चीज क्लियर कर दी गई कि वो भाई गॉड नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है भाई नेक्स्ट असुर कौन होगा, वृंदा होगी, नुसरत होगी या फिर अपना निखिल होगा? एंड मेरे हिसाब से भाई सीजन 2 जो शुभ की कहानी थी उसको काफी अच्छी तरीके से रैप अप करती है। अब आगे अगर मेकर चाहते हैं तो सीजन 3 में एक नया असुर आ करके चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन भाई अभी के लिए इतना ही, यही थी मेरी एंडिंग एक्सप्लेन। आपके पास जो फैन थ्योरीज है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सर्विस देंगे कि मैं फिर से मिलता हूं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।